वही सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिमंडी पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ते समय रहस्यमय तरीके से आरोपी की मौत हो जाने की वजह से जमकर हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि भिमंडी के पिरानी पाड़ा में रहने वाले सादिक कमर अली जाफरी उम्र 30 से 32 साल है, जो वो एक दुकान चलाते थे। सादिक के पुराने मामलों की जांच पड़ताल के लिए पुलिस पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस से और सादिक से झड़प हो गई। इसी दौरान सादिक की मौत हो गई, जिसके वजह से इलाके में लोगों में काफ़ी गुस्सा है। हालांकि सादिक की मौत रहस्य बनी हुई है कि कैसे उसकी मौत हुई है, जबकि परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की है, ऐसा आरोप लगाया है। मौके पर पुलिस की भारी बंदोबस्त लगाई गई है और DCP योगेश चौहान भी मौके पर पहुंचे थे। और बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी सच्चाई सामने आएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। बहरहाल मृतक के परिजन क्या आरोप लगा रहे हैं वो सुनिए, और DCP योगेश चौहान ने भी क्या जानकारी दी है वो भी हम आपको सुनाते हैं। इस पूरे मामले की खबर हम तक पहुंचाई है हमारे सहयोगी फिरोज मेमन। उनके भाई नाम क्या, नाम आपका? यदुल्ला कंबर अली जाफरी। हाँ, तो जरा बताएंगे कि क्या हुआ था, पूरा माजरा बताएंगे क्या हुआ था? मेरा एक रिक्शा है मेरे नाम पे, मैंने ड्राइवर पे चढ़ाया भाड़े पे। तो ड्राइवर के पीछे चिल्लाया तो ड्राइवर थोड़ा आगे जाके रुका, तो वहाँ से उसने भाड़ा लेके वापस आ रहा था। तो डिटेक्शन परेशान काकड़ और किरण जादव और दो ऑफिसर और थे, उनके ऊपर मास्क लगा था ये। हाँ, दो सिविल ड्रेस में थे, दो वर्दी में थे। ये लोग ने उसको ऐसा दबोचा। मैं जब वहाँ गया, रिक्वेस्ट किया कि क्या हुआ साहब मुझे बताइए, तो बोले सीनियर शीतल राउत का ऑर्डर है। मैं बोला क्या हुआ, कल मैं ला के उसको पेश करता हूँ, क्या वजह क्या है वो तो बताइए। कुछ बता रहे नहीं है। जब उसने दम तोड़ दिया तो उसको हम लोग के हाथ में छोड़ दिया। वो लोग ने मतलब उसको पकड़ के रखे थे और मार रहे थे। फिर अच्छा। मेरी माँ आई तो फिर मेरी माँ को भी मारे, उसकी औरत के पेट में भी लात मारे। अच्छा। हाँ, आए दिन ये लोग का यही कारनामा है। कहीं भी कुछ भी होता है, रात के 2 बजे 2:30 बजे आके घर में घुसते, शराब पी के हम लोग के साथ बदतमीजी करते। पुलिस वाले ये लोग आए दिन ऐसा ही करते हम लोग के साथ। कहीं भी कुछ भी होता है ईरानी लोग के अलावा, ईरानी लोग को और कोई काम नहीं है। अच्छा, तो ये बात बताओ कि जब उनको पुलिस वाले ने पकड़े थे तो क्या तभी उनका दम छूट गया? उन्हीं वही टाइम उसका दम टूट गया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में उसको लेके यहाँ तक आया, उसके मुंह पे पानी वानी मारा। तो पुलिस क्या करे? भाग गए उन लोग, रिक्शे में चढ़ के वहीं से भाग गए। फिर उनके बाद उनका सीनियर आके उल्टा धमकी दे के जा रहा है कि अभी मैं बताता हूँ आप लोग को, तुम्हारा बहुत हो रहा है, अभी बताता हूँ बोले आप लोग को। तब तक उसको मैं हॉस्पिटल भेजा था। हाँ, तो मतलब पुलिस हॉस्पिटल में नहीं आई देखने के लिए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हॉस्पिटल कुछ भी नहीं आए। उन लोग वहीं से भागे, उनका सीनियर यहाँ पे आके धमकी दे के गया। हॉस्पिटल के तरफ भी पुलिस वाले कोई नहीं। हॉस्पिटल में क्या हुआ? हॉस्पिटल में जब उसको लेके गए तो थोड़े देर बाद डॉक्टर आके बोला कि इसका डेथ हो गया। हाँ, अभी डेड बॉडी कहाँ है? अभी घर में ही, यहीं पे मस्जिद में रखे। तो कब लेके जाएंगे उसको? अभी देखते, हम लोग को इंसाफ चाहिए, हमको हमारा ये चाहिए। क्या आपकी मांग, क्या इंसाफ चाहिए आपको बताइए? हमें ये लोग ने जो करतूत किया हमारे साथ, हमें उसका ये चाहिए, हमें उनके ऊपर केस करना है। अच्छा, पुलिस वालों पे केस? हाँ, पुलिस वाले के ऊपर केस करना है हमको। सादिक कंबर अली जाफरी करके जो 30 साल का युवक है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली कि क्योंकि इसके खिलाफ जो है खड़क पाड़ा पुलिस स्टेशन और जगह पे कुछ गुने के मामले दर्ज थे। शांतिनगर के DB के लोगों को पता चला कि भाई इस तरीके से वो बाहर से आ रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश की, वहाँ पे उनकी छटपट हुई और फिर होने के बाद जो है उसके घर के लोग ही उसको लेके गए। फिर बाद में पता चला कि भाई वो हलचल नहीं कर रहा है, कुछ उसका अनकॉन्शियस है, और बाहर से पता चला कि वो मर गया। उस हिसाब से इमीडिएट हमारी पुलिस वहाँ पे पहुँची। हमारे जो सीनियर पीटर है शांतिनगर के राउत साहब, उसके बाद हमारे ACB ईस्ट जो है प्रशांत ढोले साहब, वड़के साहब, वो पहुँचे और वहाँ पे उसकी बॉडी मिली। और बॉडी मिलने के बाद उसको ताबड़तोब IGM में अगला ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया और ऐसा पता चला कि भाई उसकी सांसें रुक गई है और वो मर गया है। तो यहाँ पे
डिसाइड किया गया। इनके रिश्तेदारों ने कहा कि भाई जो है कुछ एलिगेशंस किए, तो इस हिसाब से हम सभी जो हमारे सुपीरियर ऑफिसर से डिस्कशन करके किया कि ये जो इसका पोस्टमार्टम है वो जे हॉस्पिटल में करना है। वो हिसाब से हमने जो बॉडी है उसके रिश्तेदारों के साथ जे हॉस्पिटल में पीएम के लिए भेजी है। पीएम रिपोर्ट में जो भी कुछ आएगा वो हिसाब से अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों को मार के वजह से नहीं, अभी इसका छानबीन चल रही है। अगर पीएम रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता है तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर संबंधित जो कुछ है, जो अधिकारी है कर्मचारी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।